गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धार्मिक जगत दे सारे धार्मिक कर्म उतने चिर तक निष्फल ने जितने चिर तक मनुख जप नहीं आरंभ करता। एक बाणी पढ़नी है, एक बाणी जपनी है। पढ़न लग्या ध्यान बार करना पैंदा है। पढ़न दी भी महिमा है, क्योंकि पढ़िए ना तो बाणी कंठ नहीं हो सकती, पढ़िए ना तो अर्थ बोध का नहीं पता चल सकता, पढ़िए ना तो यह भी नहीं पता चलता किस भगत दे बोल ने किड़े पातशाह दे बोल ने। पर इतना ही पता चलता है पहले पातशाह दे बोल ने कि पंजवें दे, कबीर दे बोल ने कि नामदेव दे। ज्यादा विचार नाल पढ़िए तो कुछ अर्थबोध का पता चल जाता, या बार बार पढ़िए तो कंठ हो सकती है। पढ़न लग्या जिंदगी बदलती नहीं है, चाहे सारी जिंदगी पढ़िए। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल, सारी जिंदगी पढ़िए बाणी लेखे च नहीं है। नानक लेखे एक गल, एक गल लेखे च है केड़ी, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। हुण बाणी जपना की है? जपना ए है कि जबान उचारण करे ते मन सुने, रसना वक्ता बने मन सरोता बने। सरवन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, आप कथे आप सुनने हार, कथन भी आप करे सुने भी आप। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे अगर मनुख गावे ते सुने। जितने पाप ने, जितने दुख ने, जितने संताप ने सुनदिया मिट जाएंगे। अगर कोई आखे मैं मुद्दतां तो बाणी पढ़ रहा दुख नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, तो मैरज करा नहीं मिटणगे, नहीं मिटते दुख, नहीं मिटणगे, नहीं मिटते, जपदिया मिटदे ने। ते जपना यह आंदा रसना उचारण करे ते मन सुने। सुनन दी कितनी महिमा है, चार पौड़ियां मेरे पातशाह ने उचारण कीतियां जपजी साहब दे, और बार बार आख्या नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सुनद ही दुख नास हो जाते, सुनद ही पाप नास हो जाते। जे मुदतां तो बाणी का अध्ययन चल रहा है, दुख नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, तो पढ़दा पिया ये जपदा नहीं पिया। जपण दे सुनना हुंदा है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, भोजन दी बुरकी कंठ तो जद थले चली जांदी है, ये पच के इहदा कुछ हिस्सा मास बनदा है, खून बनदा है, मिंज बनदा है, चर्बी बनदा है, शरीर दी शक्ति बनदा है। भोजन ही शरीर है, भजन जपी हुई बाणी
ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਕਾਉਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਸਕਿਨ ਜੀ, ਮਨ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ। ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੇ ਸਹੀ, ਮਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜੀਏ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ ਕੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਪੇਗਾ ਕੌਣ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪੇਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪਾਇਸ। ਜਪੇਗਾ ਕੌਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਅਚੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੜ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਨਾਟੇ ਦੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਈ ਲਗੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੜਪੇਗਾ, ਪਰ ਅਚੇਤਪਣੇ ਚ ਚਾਕੂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਚੇਤ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਸ ਪਏ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਰਥ ਯਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੂੰ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ, ਹਮੂ ਜੋ ਬੂਝੋ ਬੂਝਣਾ, ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਮੌਜਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਲਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੇ ਨਾ ਹਿੰਡ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨੂਜ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਸਤ, ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਗ ਉਸਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰੱਥ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕੀ ਸਮੇਟ ਕਰ, ਜਬ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ। ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ। ਔਰ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚ ਗਲਤਾਨ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੌਰਾਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਮਨੁੱਖ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ, ਚੌਧਰਪਣੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਿਤਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤਖਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ, ਔਰ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ। ਚੌਧਰਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
सिंघासन तक पहुंचता उस पौड़ी नूं तोड़ देंदा है। उन्हूं पता इस पौड़ी ते मैं चढ़ के पहुंचे अगला भी चढ़ सकदा, उसनूं तोड़ देंदा है। जिन्हां जिन्हां दा आसरा लैके पुराने राजे महाराजे बादशाह तखत प्राप्त करते रहन, पहले उन्हां नूं ही मार के खत्म करते रहन। भई इन्हां नूं मैनूं तखत दिवाया ते जे मैनूं तखत दिवा सकदे ने मेरे कोल खो भी सकदे ने, पहले इन्हां नूं खत्म करो, पहले इन्हां नूं टिकाने लाओ। जिस पौड़ी ते राजनैतिक लोग चढ़ के पहुंचते ने सिंघासन तक, पहुंचद पहला कम एक कर दिन पौड़ी तोड़ दईए, दूजा ना चढ़े। जिन्हां जिन्हां दा दामन पकड़ के जिन्हां जिन्हां दे आसरे ते इन्हां नूं प्रभुता मिलती है, पहले उन्हां नूं खत्म कर दे, किसी भी रूप च खत्म कर देना। मैं देखदा भारत दे चोटी दे कई लीडर सन अज गुमनाम ने, उन्हां नूं अपने साथियों ने पिछे सुटिया, ऐसा सुटिया गुमनाम हो गए। कल तक चारों पासे सलामां हुंदियां सन, अज कोई पुछदा नहीं। राजनीति खड़ी इसे थे, जिस तखत लई जिस चौधरपणे लई मनुख इतना झूठ बोलदा, फरेब ठगी धोखा छल कपट। गालिब कहिंदे बच्चियां दा तमाशा, एक खेल है औरंगे सुलेमां मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। कहिंदा मैं रिदियां सिदियां तो भी प्रभावित नहीं। भारत दिच इस तरह दे कम से कम 40-50 साधु ते हैं जो सरे आम रिदियां सिदियां दा प्रगटावा कर देन, लखां दा इकट्ठ उन्हां कोल जमा हो जांदा इन्हां रिदियां सिदियां नूं देखण वास्ते, और वो प्रगटावा करन दे ची रुक गए ने। चले सन रब दी बंदगी करने ना तमाशियां ची रुक गए। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे सिद्ध हो मां सिद्ध लाई, रिद्ध आखां आओ गुपत प्रगट होए बैसां लोक राखे भाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। कोई धनवान धन दे च रुक जांदा है, कोई सियासतदान प्रभुता दे च रुक जांदा है, कोई योगी साधु अभ्यासी सिद्धियां च रुक जांदा है। रुकावटां ने अपनियां अपनियां रस्ते दियां। गालिब इतना सियाणा है, मैं इन्हां सिद्धियां तो प्रभावित नहीं कहिंदा, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे ये भी बच्चियां दा तमाशा, मैं प्रभावित नहीं। क्यों? गाथावां ने ईसा बीमार दे सिर ते हथ रखदा सी तंदुरुस्त हो जांदा सी, अंधे दे सिर ते हथ रखदा सी अखां मिल जांदियां सी। ऐसी भी कथा है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया। गालिब कहिंदे जिस दे सिर ते हथ रखिया ते उह जिंदा हो गया, क्या वह फिर नहीं मरिया? ते जे फिर मर गया ते ईसा भी बच्चियां दा तमाशा करदा रहा, और की मैं इस नाल भी सहमत नहीं। ये भी बच्चियां खिडौणियां नाल खेडदा रहा है रिदियां सिदियां च, तरह तरह के कौतक दिखाण दे च। हुण जिस दे वास्ते जिस मनुख लई तखत भी बेमैनी है ते संसार दे सारे पदार्थ भी बेमैनी हो गए और रिदियां सिदियां भी बेमैनी ने, ऐसे मनुख दा ते इक्को ही आसरा है, या ते खुदा मिले या फिर आत्म हत्या करे, किस तरह जीवेगा? किवें जीवेगा? इतना निराश है संसार तो। हुण मैं फिर अर्ज करा, संसार तो इस जीवन तो पदार्थां तो परिवार तो निराश मनुखा ने ही निरंकार की तलाश की थी, दूजिया ने नहीं। परिवार सुख है, निरंक जो है पदार्थ सुख है, संसार सुख है, परमात्मा फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमात्मा की तलाश उस दिन मनुख करता है जिस दिन पता चलता है पदार्थ दुख है, संसार सुख है, फिर ये निरंकार की तलाश करता है।
संसार दुख है, फिर यह निरंकार की तलाश करता है। पर जे संसार ही सुख है तो फिर निरंकार की कुछ भी नहीं। संसार दे सुखां लई कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये सारे धार्मिक कर्म भी संसारी बन जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करा, सारे कर्म संसारी बन जाते। कदी कदाई कोई धार्मिक कर्म करता है। धार्मिक कर्म की है, संसार तो निराश है, उदास है और जप रहा है नाम प्रभु दा। दुख दे ज्ञान तो मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलदा है, परमात्मा दे ज्ञान तो नहीं। परमात्मा दा ज्ञान ते जप जप के मिलेगा, बाद च मिलेगा। वो अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, अनुभवी ज्ञान होता है। अक्षरी ज्ञान नाल समझ ते पै जांदी है, जिंदगी बदलदी नहीं बदलदी। अक्षरी ज्ञान नाल थोड़ी जिहा जिंदगी ढंग दी चल सकती है, जीवन बदलदा नहीं। जीवन बदलदा है अनुभवी ज्ञान नाल। इस दे उत्ते मैं अक्सर एक उदाहरण देंदा हुंदा, अक्षरी ज्ञान ते अनुभवी ज्ञान इन्हां दोहां च फर्क है। चलो थोड़ा जिहा निर्णय कर दे। अक्षरी ज्ञान इंज है जिमें किसी मां ने किसी थां तो बच्चा किसी कोल गोद ले लिया, वो स्वयं बांझ सी ते गोद च लई फिरदी है। अनुभवी ज्ञान यह है कि प्रसूत दी पीड़ा सहार के उन्हें अपनी कुख तो जन्म दिता है, उदी गोद च भी बच्चा है। तुम तुसी सारे ग्रस्ती होए, ये दोवें मावां एक जैसी आउणगियां कतई ही नहीं, मावें कितनी भी जो है लाड प्यार करे, आंतरिक गहराई उस बच्चे च नहीं आउंदी जो गोद लिया गया हुंदा है। कोई 10 साल पुरानी गल है, 9-10 साल। अनुभवी ज्ञान, अक्षरी ज्ञान, इस विषय ते मैं 8-10 दिन कैलगरी बोलदा रहा कैनेडा दे। कुछ स्याणे चिंतक दार्शनिक टाइप दे बंदे सन, सुनना भी कुछ यही चाहते सन। अक्षरी ज्ञान उन्हां लोकां कोल बड़ा सी, कलम दे धनी सन, दिमाग दे धनी सन, बड़े बड़े साहित्यकार। मैं उत्थे दलील दित्ती, अक्षरी ज्ञान गोद लिया बच्चा है, अनुभवी ज्ञान कुख तो जन्मया बच्चा है। तीसरा ही दिन सी, मेरे कमरे च एक बीबी आई, मैनू कहण लगी, गोद लिया बच्चा ते कुख तो जन्मया बच्चा कह एक नहीं आउंदा। मैं कह नहीं आउंदा। कहण लगी, ये बच्चा मैं गोद लिया है, ये मैनू अपनी जान तो भी प्यार है, ये रोंदा है, मेरा हिरदा रोंदा है, ये दी दुख सुख दा मैं पूरा ख्याल रखती हूं। तुसी किस तरह कहंदे हो कि गोद लिया बच्चा, कुख लिया बच्चा एक नहीं होंदा। मैं कहा, मैं पुरुष शरीर रखदा ते मैनू इतनी समझ है, तू स्त्री दा चोला रख के भी इतना नहीं जानती। मैनू हैरानगी, मैं किस गल ते मैनू हैरानगी। मैं कह नहीं आउंदा। एक 8-10 दलीलां जो मैं उसनू दित्तियां, इस नाल उसकी तसली ना होई। इन्हां दलीलां च मैं थोड़ा टाइम ना जाया करा, उस नाल उसकी तसली ना होई। कहने लगे, कुछ भी गल नहीं है। मैं कह, फिर सुन, गोद लिया बच्चा और कुख तो जन्मया बच्चा, कुख तो जन्मया बच्चा किधरे वड्डा होके कुल नू कलंक लाण वाला हो जाए, मां बाप नू दुखी करे, बेचैन करे, ते बहुत सारे उस दे च औगण होवन
ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚ ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ। ਮਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਾਕ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੀਕਾਕਾਰ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਇਤਨੇ ਕਾਲਜ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਅਵੰਤਕਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਜੈਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, 500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, 500 ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵੰਤਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪਨੀ ਕੋਲ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਾਠਿਆਵਾੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਦਾਮਾ ਅਵੰਤਕਾ ਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵੰਤਕਾ ਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦਿਨਮਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲਬਨ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10-10, 15-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਿਸਾਲੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ
कि क्राइम इस वास्ते वधदे जा रहे हैं, बहुती दुनिया अनपढ़ है। इको ही जुर्म मन लो कि अनपढ़ होना, सब तो वड्डा गुनाह है कि अनपढ़ होना। चूंकि 90% दार्शनिक चिंतक विद्वान एक सहमत होके कहने लगे यही सब तो वड्डा जुर्म है अनपढ़ होना, और अनंत जुर्म अनपढ़ लोग कर दें। तो सारे यूरोप दे कानून बन गया 5 साल का बच्चा स्कूल दे पाओ, मां बाप ने नहीं पाया जुर्म, फाइन करो मां बाप का, चलान करो मां बाप का, क्यों नहीं बच्चा भेजिया, 5 साल का बच्चा हो गया स्कूल नहीं भेजिया। इन्हां 60-70 साल यूरोप सारा पढ़ लिख गया, बच्चा बच्चा स्कूल जांदा है, पढ़ाई लिखाई वध गई, अक्षरी ज्ञान वध गया। आप सुन के हैरान होवोगे जिहड़े आंकड़े आए ने, पहले नालों 13 गुणा कतल वध गए ने, पहले नालों 40 गुणा चोरी वध गई, पहले नालों 70 गुणा ज्यादा बलात्कार वध गए, ये वध गया। पहले अनपढ़ करदे सन, हुण पढ़े लिखे करदे, अनपढ़ करदे सन विचारे पकड़े भी जांदे सन क्योंकि इतनी समझ नहीं सी, पढ़े लिखे करदे ने ये पढ़े जो है पकड़े भी नहीं जांदे, चलाक इतने ने निकल जांदे ने कानून तो, दाव पेच इन्हां नूं आ गए ने। तो तस्लीम करन लग पे, इहदे नाल मसला ते नहीं हल होया, हंकार वध गया, लोभ वध गया, वासना वध गई। मनुख पाप करेगा हंकार वस होके, लोभ वस होके, वासना वस होके, पाप करन दा होर कोई कारण नहीं है, इन्हां तिन्हां तो अधीन होके करेगा। हंकार वस होके किसी दी हिंसा करेगा, लोभ वस होके चोरी डकैत किसी दे नाल बेईमानी ठगी करेगा, ते असीम वासना वस होके बलात्कार करेगा। होर ते कोई पाप दा कारण ही नहीं है, ये वध गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। एक पढ़ा लिखा महामूर्ख समझ लो, लोभ ते वध गया इसका, हंकार ते वध गया, वासना ते वध गई, तो इन्हें किथे जपना है नाम। इहदे लई संसार सब कुछ है, निरंकार कुछ भी नहीं, इहदे लई पदार्थ सब कुछ ने, परमात्मा कुछ भी नहीं, इहदे लई रूप रंग सब कुछ है, अरूप परमात्मा कुछ नहीं होते, अरूप है, अरूप है, अनूप है, चकर चैन अरवरन जात अरपात नहिंजे। ए सदी बकौले गुरु नानक पढ़े लिखे मूर्खां दा युग है, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। उस्ताद जौक बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर सी, ते बहादुर शाह कहिंदा सी ये मेरे ताज दा हीरा है, मेरे कोल चमक ते जमक जेड़ी है जौक करके है। जौक बड़ा स्याणा सी, इबादत गुजार बंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। एक कहिंदा है, हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, मैं समझदा सी कि पढ़ लिख के कुछ मैं समझ जावांगा, जान जावांगा। मैं फिर अर्ज करा, अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चल दी है, जरा ढंग नाल चल दी है, जिंदगी बदल दी नहीं है। दुनियावी विद्या नाल जीवन चलदा है, जीवन बदलदा नहीं, जिंदगी बदलदी नहीं। ते जिन्ने चिर तक जीवन बदले ना, गुरु नानक उस विद्या नूं विद्या ही नहीं मनदे। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अनपढ़ मूर्ख होवेगा, कोई पढ़ा लिखा मूर्ख होवेगा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। जौक कहिंदन पढ़ पढ़ के जान जान के, मैं ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जान।
पढ़ पढ़ के मैं ए जाने है, जान जान के मैं ए जाने है, मैं कुछ नहीं जानता। इस अक्षरी ज्ञान नल मेरी जिंदगी नहीं बदली, जीवन नहीं बदले। ये अक्षरी ज्ञान चाहे दुनियावी किताबां दा होवे, चाहे धर्म ग्रंथां दा होवे, चाहे गीता दे अर्थ आंदे होन या कुरान दा हाफिज होवे, या गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दा टीकाकार होवे, अर्थ बोध दा ज्ञाता होवे, जिंदगी नहीं बदलेगी। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल। जपदियां ही खेड बनेगी, वो एक गल जप है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। पढ़न दा लाभ है, बाणी दा पता चलेगा, अर्थ बोध दा पता चलेगा, कंठ भी हो सकती है। जिंदगी बदलेगी नहीं, सारी जिंदगी पढ़दा रहे। और बड़े पाठ करण वाले में देखे ने, हुण मैं अर्ज करा, पढ़ना सौखा है, जपना औखा है। जपन तो मुराद जबान उच्चारण करे मन सुने, मन सुनदा नहीं, नहीं सुनदा। बड़े बड़े योगियां दा नहीं सुनदा, बड़े बड़े अभ्यासियां दा नहीं सुनदा। ते मैं फिर अर्ज करा, अवल ते जप ओ करेगा कौन, जिन्हों पता चल जाए जगत दुख है, जीवन दुख है, परिवार दुख है, संसार दुख है, सब झूठ है। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए कार, ये सब खपना ही है और कुछ भी नहीं। जिस दिन इस असलियत का पता चले, इस संसार ही सब कुछ है, ये परिवार ही सब कुछ है, ये पदार्थ ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ भी नहीं है, ये अजे संसार तो उदास नहीं, इस वास्ते निरंकार की तलाश नहीं करेगा। ते संसार तो उदास का मतलब नहीं कि वह संसार नू छड़ जाएगा, जिथे जाएगा संसार ते है, शरीर ही संसार है, तो कोई आत्महत्या कर लेगा नहीं, ये मनुख अपने आप नू हुण बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जीवदा रहा हूं, इस ढंग नाल नहीं जीवना। ये ते जी जी के मैं देख लिया, 27-28 साल दा सी, महात्मा बुद्ध अकल आ गई, कहिंदे कुछ भी नहीं, जवान सी अजे। धन गुरु नानक देव जी महाराज मासूम बच्चे ने बच्चियां नाल खेड देन, ते खेड देन भी की सतनाम जप देन। बच्चियां नाल खेडना भी की है, नाम जपना आद हो गई। चूंकि अवतारी पुरुष ने पुरवले संस्कार ने कोई सेवा लगी है निरंकार की तरफों, इत छोटे बच्चों नाल भी खेडते हैं, तो बच्चों नू नाम जपाते हैं, आप जपते हैं। इतिहास देखते यही कुछ है, खेडना इस तरीके। किसी दे लई कथा कीर्तन गुरुद्वारे आवना भी खिडौना है, तो कईयां दे लई खिडौने भी बंदगी बन जाते हैं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, खेल भी बंदगी बन जाती, खेल नू बंदगी बनाया है गुरु नानक ने। आम लोग ही बंदगी नू ही खिडौना बना के रख देते हैं, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कबीर कहिंदे लोगों ने रब नू खिडौना ही समझे, सारे धार्मिक रस्म रिवाज खिडौना ने खेडना है, समा पास करना है। इस वास्ते मेरे देखे थोड़े शहर की मैं गल नहीं पिया करता, मैं 60% गुरुद्वारे अमेरिका दे देखे जो इकट्ठ होंगे सब सोशल गैदरिंग है, कोई धार्मिक नहीं आती। लंगर च बैठ के दो दो घंटे गप मारन गए, तो कीर्तनिया किधरे 5 मिनट उपर लै गए, ये 5 मिनट वध क्यों गए ने, तू 2 घंटे थले खपदा पे लंगर हाल दे, इत्थे ते तू मिंट नहीं गिनती कीती, थले 2 घंटे इंज लंघ गए जिवें 2 मिंट कारण। उते सब सोशल गल्लां चलियां, घरेलू कारोबारी संसारी, निरंकार दी गल नाल तालमेल नहीं बैठदा।
पता है रस किथे बनता है, आनंद किथे बनता है, जिथे तालमेल बैठ जाए। तालमेल ना बैठे रस नहीं बनता, नहीं बनेगा। तालमेल यानी वाजे की सुर किसी होर पासे जावे ते तबले का ताल किसी होर पासे जावे, सियाने मनुख ने कह देना है कि संगीत नहीं है, रोना पिटना है, कुछ भी नहीं है। सुर किसी होर पासे जा रही है, ताल किसी होर पासे। जिथे तालमेल ना बैठे, सुर ताल एक ना होवन, रस नहीं बनता। बाणी नाल तालमेल नहीं बैठता, बाणी निर्वैर दी है, हिरदा वैर नाल भरे होया, तालमेल नहीं बैठता। बाणी निरंकार दी है, हिरदा संसार दी वासना नाल भरे होया, तालमेल नहीं बैठता। बाणी उस समदृश दी है, हिरदा वितक्रिया नाल भरे होया, तालमेल नहीं बैठता। बाणी दया दा सागर है, उसकी बाणी है, हिरदा कठोर है, तालमेल नहीं बैठता। बाणी उस विशाल दी है, फराग दिल दी है, हिरदा तंग दिल है, तालमेल नहीं बैठता। तो जब तालमेल ना बैठे तो रस नहीं बनता। एक गंदे गीत नाल तालमेल बैठ जाता है। मैं थोड़े कोल जद इत्थे आया उस तो पहले एक महापुरुषां दी बरसी मनाई गई, मलाका मलेशिया का एक शहर, चार दिन लई दास उत्थे गया सी। उस तो पहले पीजे एक गुरुद्वारा है उत्थे पदालन जाया, एक दिन दी हाजरी उत्थे सी। पिछे उस तो पहले जद दास गया, हैरानगी हुई मैनू, चार पंज जथे दास, उस दिन चार पंज बंदे आए, उंज दो ढाई हजार दा कट होंदा सी। जथे चार पंज नामी सन, एक दो कथावाचक भी दरबार साहब तो आए सन। दास नूं भी बुलाया गया सी और पूरा इंतजाम भी संगत ना आई। खैर मैं अपनी हाजरी भर के रिहायश दूर सी, दूसरे गुरुद्वारे सी, तो स्वभाविक जेड़ा सज्जन मैनू लै जा रहा सी, मैं उस कोल पूछ लिया, मैं गल की अज क्यों नहीं संगत। कहने लगे आज दलेर मेहंदी आया है, थानू कौन सुने, आज ये कीर्तन किसने सुनना, भावे होवन पे टाप दे रागी, भावे होवन पे महान रागी है, भावे तुसी फिलसफा गुरबाणी दा गोट हो, उन्होंने टोए टप्पे सुनने, तुहाडियां गल्लां की सुननियां। फिर मैनू असलियत दा पता चले। तो जब उसने आखे गैनी जी ऐसा क्यों हो जाता है, मैं कहा उत्थे तालमेल बैठ जाता है, हिरदा काम नाल भरिया होया, काम दे गीत तालमेल बैठ गया, हिरदा वाशना नाल भरिया होया, वाशना दे गीत तालमेल बैठ गया, रस बन गया। हिरदा हंकार नाल भरिया होया, हंकार दे भरे हुए गीत तालमेल बैठ गया, रस बन गया। हिरदा संसारक वाशना नाल भरिया होया, संसारी गीत तालमेल बैठ गया, रस बन गया। जिथे तालमेल बैठे रस बन जाता है। अक्सर मनुख गुरुद्वार सिर ढा के बैठे होंगे ने, मत्थे ते वट पा के बैठे होंगे ने, मंदरां दे च भी ऐसा ही होंगे, कारण तालमेल नहीं बैठता। नव भारत टाइम्स एक हिंदी का अखबार है, भारत दे सब तो ज्यादा छपदा, उहदे च बुधवार दे बुधवार लतीफे होंगे ने। कदी कदी सफर च मैं उन्होंने देखदा, हैरान होया, एक मरीज डॉक्टर को लाया लतीफा, तो डॉक्टर का जैसे तकिया कलाम आंदा भी की तकलीफ है, कहिंदा डॉक्टर साहब होर तो कोई तकलीफ नहीं, नींद नहीं आउंदी, कोई दवाई दो, नींद नहीं पैंदी। कहिंदा लै गलत जगह आ गए, जे नींद नहीं तेनूं पैंदी ते मेरे कोल आण दी की लोड़ है, किसे मंदर चला जा कथा सुन, आपे ही तेनूं नींद आ जाएगी, साडे कोल आण दी तेनूं की लोड़ है। जिथे तालमेल ना बैठे सिर ते बोझ पै जांदा है, उंगण लग पैंदे ने। अमृत वेले मैं दरबार साहब भी देखे ने, हरिमंदर साहब, अद्धे लोग सुते पए हुंदे ने, मैं कहा हद हो गई,
तीन बजे उठे होने गए बेचारे, इशनान भी किया होना, आ गए ने आसा दीवार का कीर्तन सुन सुते, जिथे तालमेल ना बैठे रस नहीं बनता, तो बेरसी दे च मनुख लंबा नहीं बैठ सकता, उंगेगा नहीं दाएगी, उंगदे होए मनुख अमृत वेले मिलणगे, जद के नाम जपण दा वक्त अमृत वेला आउंदा, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। तो हुण मैं लमकावां ना, पढ़न लगया ध्यान बाहर करना पैंदा, जपण लगया ध्यान अंदर करना पैंदा। जपना की है? गावना सुनना, बाणी गाने सुनने, फिर एक मंत्र ते आ जाना, वाहेगुरु मंत्र ते। दुनिया के जितने मंत्र ने एक दम दे च पूरे हो जाते, जैसे कलगीधर पातशाह कहते हैं, एक चित जाए एक छिन्न ध्याय, एक छिन्न एक दम, कोई भी मंत्र एक दम दे च पूरा हो जाता है। राम एक दम दे च पूरा हो जाता है, ओम एक दम दे च पूरा हो जाता है, वाहेगुरु एकदम दे च पूरा हो जाता है, सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। उस एकदम दे जो वाहेगुरु उच्चारण किया, उसे ने पूरी कागरता नाल मन सुने, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जिस दिन मन थोड़ा जहां किधरे नेड़े चला गया, एक रस बन जाएगा, लेकिन वक्ती बनेगा, रस चला जाएगा, फिर उत्थों ही पीड़ा शुरू होएगी, उस तो पहले नहीं। ओ पीड़ा आउंदी है धार्मिक, औलाद नहीं है पीड़ा है, धन संपदा नहीं है पीड़ा है, मन भावदे पदार्थ नहीं ने, टिकाणा नहीं है, संबंध नहीं जुड़े, पीड़ा है। एक नवी पीड़ा आरंभ हो जाती है, सारी पीड़ा बेमैनी हो जाती है, वो पीड़ा धार्मिक। उस धार्मिक पीड़ा का ही बाबा फरीद जिक्र पे करते हैं, चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावन लेप, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे देख। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे श्लोक, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, मोरी रुण झुण लाया पैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जे वड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। लोभ पैदा हो गया, कुछ रस मिल गया, हुण जिहड़ा रस मिले उस तो बिना जीवना औखा हो जाएगा। तेरे दर्शन विठों खनिए वजा, तेरे नाम विठों कुरबानो, जहां तू ता मैं माण किया है, तुद बिन कहा मेरा माणो। अगां जो बिरहे दा रोना, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने रखिया सामने, हैरान कुन गल है। स्त्री स्वभाव नु सामने रख के, चूड़ा भन पलंग सेव मुंदे, सण बाई सण बाहा, एथे वेश करें दिए मुंदे सौरा तो अवराह। भन दे इस चूड़े नु पलंग दे पावे नाल, पर भनन लगे अपनियां बावां भी तोड़ दें, सिर्फ चूड़ा ही क्यों, सण बाही सण बाहा, बावां दे समेत तोड़ी, निरा चूड़ा ना तोड़े, चूड़ा तोड़न लगे अपनियां बावां भी तोड़ दें। टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर गुरु नानक दा ए शब्द पढ़ के 10 दिन रोंदा रहा सी, भई रब्बे भी छोड़े दी पीड़ा च कोई इतना भी तड़प सकदा है। चूड़ा भन पलंग सेव मुंदे, सण बाई सण बाहा, एते वेश करें दिए मुंदे सौरा तो अवराह। सारे धार्मिक शिंगार तो कीते, पूजा पाठ कीता, बड़े अडंबर कीते, पर खेड़ते कुछ भी नहीं बने, गलती कुछ भी ना बने, सारा हार शिंगार व्यर्थ चला गया, फिजूल चला गया। रविंद्र नाथ टैगोर कहते ने, जिस बारीकी नाल गुरु नानक ने बयान कीता है, ये अवतारा की श्रेणी एक नवीनता है, नवी गल है, इतनी बारीकी और इतनी सच्चाई
इतनी हकीकत पीड़ा शुरू हो जाती है। हुण मैं अर्ज करा दुख दे समा लंबा हो जाता है, पीड़ा दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है। इस वास्ते जितने व्याकुल जितने पीड़ा दाई हिरदे भगतां दे होंदे ने किसे होर दे नहीं होंदे। बहुत वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने तां जाके बहुत वड्डा आनंद उन्हां नूं प्राप्त होंदा है। ये पीड़ा अजे आम लोकां दे अंदर पैदा हो सके बहुत दूर दी गल है, क्योंकि जे संसार दी पीड़ा है, पदार्थां दी पीड़ा, किसे नूं परिवार दी पीड़ा, किसे नूं धियां पुत्रां दी पीड़ा, किसे नूं कारोबार दी पीड़ा, इसे पीड़ा करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना है, अजे निरंकार दी पीड़ा नहीं आरंभ हुई, अजे परमात्मा दे विछोड़े दी पीड़ा आरंभ नहीं हुई। जिस दिन यह पीड़ा आरंभ होगी उस दिन समा बहुत लंबा हो जाएगा, दुख दे समा लंबा हो जाता है। एक तो दिन रात करके असी समय नूं नापदे हां पैरां करके, फिर साइंस दा योग है घड़ी बन गई, रिस्ट वाच बन गई, असी हाथ ते देख लैंदे हां मिंट मिंट दा हिसाब कितना टाइम हो गया। लेकिन एक घड़ी परमात्मा ने साडे अंदर बनाई हुई है, वो टाइम किसी होर ढंग नाल दसती है, इस ढंग नाल नहीं। जो थोड़े हाथ से बनी हुई घड़ी टाइम दसती है, मन की घड़ी वो टाइम नहीं दसती। उदा वक्त दसण दा ढंग कुछ होर है। दुख दे चोवे ते समा लंबा दसती है, बहुत लंबा दसती है, एक मिनट एक साल वर्गा दसती है। दूर क्यों जाओ, मैं गुरु अर्जन देव जी दे बोल थोड़े सामने रख दें। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। हे प्रभु तेरे विछोरे दी पीड़ा विच ए दिन दे चार पहर चार युगां वर्गे ने, ये ते हजारां सालां वर्गे ने, नहीं लंघदे। इतनी पीड़ा, एक घड़ी दिनसमो को बहुत दयाड़े, एक घड़ी दिन रात दियां पुरानी गिनती दे मुताबक 60 घड़ियां बन दियां। साहिब कहिंदे एक घड़ी कई दिनां वर्गी, कई दिनां वर्गी नहीं लंघदी। चार पहर चौ जुगे समाने, रहण भई तब अंत न जाने। रात आई है ये कितने युगां वर्गी है, साहिब कहिंदे ने इत्थे गिण भी नहीं सकते। इहनूं किधरे कवि की कल्पना ना समझ लेना, शायर का तखयल ना समझ लेना। दो तरह की शायरी आती है, एक तखयल है, सोच के गल की है, एक जो आख्या जा रहा है उसका अनुभव है, ऐसा है। संतन की सुन साखी साची, जो बोलें सो पेखें आखी। गुरु अर्जन देव जी, संतन की सुन साची साखी, संत दी गल सुन, जो बोले सो पेखे आखी, जो वेखे ते कह रहे। मैं थानू परमात्मा दी गल सुना रहा, मेरी स्टडी है, मैं पढ़िया, मैं अभ्यास किया, थोड़ा थानू सुना रहा। अगर संत सुनाएगा, भगत सुनाएगा, पढ़ के नहीं सुनाएगा, सुन के भी नहीं सुनाएगा, सोच के भी नहीं सुनाएगा, फिर किस तरह सुनाएगा। कबीर कहिंदे दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं देखे, मैं देख के गल करता, मैं पेखे ओरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी जो वेख देन ते कहिंदे, इक ने पढ़ के गल आखी है, सोच के गल आखी है, स्टडी करके गल आखी है, एक ने वेख के गल आखी है, जमीन आसमान का अंतरा होगा। तो हुण कबीर कोल पुछिए, सानू किस तरह पता चले तू वेखे, इहदा कोई सबूत, इहदा कोई प्रूफ। दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर न देखा, इहदा सबूत। थोड़े कहने नाल किस तरह मन लईए कि तुसी वेख रहे हो। पता है कबीर की कहिंदे ने, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई।
एक ते भाषा ओ है जो जबान बोल दी है, एक अखां दी भाषा है, अखां भी कुछ बोल दी है ना। कई दफा जबान हां कर रही होती है, अखां ना कर दी है। और कई दफा जबान ना कर रही होती है, अखां कर दी है। फिर विद्वान ऐसा कहते हैं, जबान झूठ बोल सकती, अखां झूठ नहीं बोल सकती। अखां नूं झूठ बोलण दी तौफीक परमात्मा ने नहीं दिती। अख सही बोलती है, ठीक बोलती है। मन दे च लोभ होवे अखां च प्रगट होंदा है, मन दे च वासना है अखां दे च प्रगट होंदा है। मनुख को पुछ ले मतलब तेरा की हाल चाल है, ते ओ आखे बड़े आनंद च आ, ओदियां अखां ते दसदियां पैन, दिन भर रोंदा पिटदा रहा किधरे। अख ते कुछ और कह रही, कोई आनंद नहीं है। अख गलत बयानी नहीं करती। हिरदे दे सबर संतोख होवे अखां दसदियां ने, मन दे शर्म हया होवे अखां दसदियां ने, मन कठोर होवे अखां दसदियां ने, मन दे परमात्मा होवे अखां दसदियां ने। जिमें किसी बंदे नाल गलबात करनी है तो कम से कम दोहां दी भाषा एक होवे, तां जाके गल बनदी है, दूजे दी भाषा समझदा होवे। कबीर कहिंदे ने अखां दी भाषा समझ दिओ ते मेरी अखां बोल रही ने, मैं वेख के कह रहा, मैं परमात्मा नूं वेख के कह रहा। नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन न जाए, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन। गुरु अर्जन देव जी वा वेख के गल कर रहे हैं, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। जो वेख के गल कर दे सन, ऐसे शायरां नू कवियां नू ऋषि आख्या गया। जो समझ के सोच के विचार के गल कर दे ने, उन्हां नू कवि आख्या गया। संस्कृत दे दो शब्द ने ऋषि ते कवि। जो तुकबंदी करके जगत दे सामने कोई खास गल रखते हैं, एक ओ जो वेख के गल करते हैं, एक ओ जो सोच के करते हैं, पढ़ के करते हैं, किधरों सुन के करते हैं। ये दो तरह के दुनिया के शायर होंगे। ये जो साहब कहते हैं चार पहर चौ जुगे समाने, ये सिर्फ सुनी हुई गल नहीं, सोची हुई गल नहीं, कल्पना मात्र नहीं है, हकीकत है। पीड़ा ही इतनी ज्यादा हो जाती है, दुख ही इतना ज्यादा हो जाता है, दुख समय नु लंबा कर देता है, पीड़ा समय नु लंबा कर देती है। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा राती वड़िया बहुत लंबी हो गई है, रात नहीं लंघती, दुख दुख उठन पास दुखना है। औके ने होके निकलते ने धन के विछोड़े च, प्रभुता के विछोड़े च, परिवार के विछोड़े च, या निरंकार के विछोड़े च। होकिया दे च पीड़ा आती है। फरीद कोल होके ने खुदा दे, खुदा का विछोड़ा, क्योंकि खुदा महान है, उसका विछोड़ा महान है, तो पीड़ा भी उतनी वड्डी है जितना वड्डा रब है। फरीदा राती वड्डिया दुख दुख उठन पास, ये दुखना है। दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है। मनुख थोड़ा जहा रस दे बैठा है, आनंद दे बैठा है, कहिंदा लै एक घंटा इंज लंघ गया जिवें एक मिनट। घंटा सठ मिनट का ही सी, एक मिनट का नहीं सी, पर मन की घड़ी कुछ होर दसती है। परमात्मा ने जिहड़ा अंदर साढ़े ये फिट किया होया है, मन बनाया है, ये दुख दे समा कुछ होर दसदा है, सुख दे कुछ होर दसदा है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, वक्त छोटा हो जाता है, और महासुख जिसनों समाधि कहिंदे समा खो जाता है, उन्हों कहिंदे अकाल, टाइमलैस, कोई वक्त नहीं है, समा नहीं है, कोई वक्त नहीं। अकाल आख है, संस्कृत का शब्द अकाल, काल समय नु कहते हैं, वक्त नु कहते हैं, अकाल वक्त नहीं है, खो गया वक्त। मैं
संत माल पढ़ रहा सी संत बाबा अतर सिंह दी जीवन कथा। सेवादार ने अगों भोजन रखिया, मस्तों आने दी गल बुरकी मूह च पाई, आख्या हे प्रभु तू भोजन दे रूप दे च भी इतना स्वादी है ते भजन दे रूप दे च ते महा स्वादी है। बुरकी थले गई, वाहेगुरु निकलिया जुड़ गए। सुन समाद अनहद ते नाद, कहन न जाई अचरज मिसमाद। हिरदा निर्विचार हो जाता है, विचार सुन हो जाता है। जद काफी देर तक उस हालत दिच रहे तो सेवादार थाली चुक ले गए। ये हालत उन्हां दी 15 दिन रही। संत माल दी गाथा है। 15 दिन तो बाद समाधि तो जद उत्थान होए, कहिंदे ने सेवादार ने सोचिया उस दिन नहीं खादा सी ते हुण 15 दिन लंघ गए। उस विचारे ने अपनी समझ दे मुताबक जल्दी जल्दी लंगर बनाना शुरू कीता जो बाबा जी छकदे सन। सादा जिहा भोजन थोड़ी जिहा देर च तैयार करके लिया, अगों रख कहिंदा बाबा जी छक लो। संत अतर सिंह कहिंदे ने पो लिया, हुणे छका के गया, हुणे फिर लिया। हाथ जोड़ के उसने आख्या नहीं बाबा जी 15 दिन होए ने, मैं लियांदा सी भोजन, वो भी तुसी एक बुरकी छकी सी, हुणे ते नहीं लियांदा मैं। ते बोली मालवे दी हाला 15 दिन, 15 दिन इंज लंघे जिवें एक सैकंड। सुख दे समा छोटा हो जांदा है, महा सुख दे समा बिल्कुल खो जांदा है। एक गल्ला मात्र नहीं ने, रोज दी थोड़ी जिंदगी भी घटदा होवेगा। किधरे रास्ते च बैठे हो, किधरे सुख मिल रहा है, 2 घंटे इंज लंघे जिवें 2 मिनट। किधरे बेचैन है, तबीयत परेशान है, बोर हो रहे है, तालमेल नहीं बैठ रहा, 1 मिनट इंज लंघ रहे जिवें 1 दिन। यह तो रोज का सिलसिला है, यह तो हर एक नाल घटता है। दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, महा सुख दे समा खो जाता है। धार्मिक पीड़ा जिस दिन शुरू हो जाए, समझ लो अज तो मनुखे धार्मिक हो गया। इनू पता चल जाएगा मैं बिछड़े हुआ, सुरत टूटी हुई है। किस दिन पता चलेगा? जपदिया जपदिया जिस दिन मन थोड़ा शब्द दे नेड़े चला जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करेगा, मन जरा नेड़े चला गया, रस आ जाएगा। तो जुड़िया तो है नहीं, नेड़े गया, वो रस इसनु तड़पा के रख देगा, क्योंकि वो रस एक छिन मात्र होंदा है। इस तरह दे मैनू हजारां मिले ने सारी दुनिया च, जिन्हां ने रस दी झलक देखी है, ये खेड़ा देखे। मेरे ख्याल कोई शहर खाली नहीं होंदा, हर शहर च एक दो रूहां होंदियां ने। लेकिन अगां चल के कोई लखां च एक आदा है जिहड़ा उस रस महारस नू प्राप्त करन दे सफल हो जांदा है। वो हर शहर दे च नहीं है। सार किताबली दा करता कहिंदा है चंदन तरना बन बन साधना पुर पुरमा है। चंदन दा दरख्त हर जंगल दे च नहीं है। सारी दुनिया च घूमो सिर्फ कर्नाटक दे च है चंदन, होर किधरे भी नहीं है। केसर भारत दे सिर्फ कश्मीर दे च आउंदा है या यूरोप स्पेन दे च आउंदा है, सारी दुनिया च किधरे भी केसर नहीं आउंदा। भारत ने कोशिश की थी कश्मीर दे बाकी इलाके च भी केसर बोण दी, 12 मूला बोया गया, 2-4 जगह ते होर बूटे लाए गए, नहीं होया। एक छोटा जिहा इलाका है पंपोश कहिंदे ने उसनों, श्रीनगर तो पहले आउंदा है, ते कोई 100 एकड़ दे करीब जमीन होवेगी, उत्थे केसर होंदा है। बड़ी कोशिश की गई होर जगह ते हो जाए, बड़ी मेहनत की गई, बड़े खर्चे किए गए, नहीं होया। यूरोप दे होर मुल्कां ने भी कोशिश की थी, स्पेन तो इलावा मेरे पढ़ने च आया, नहीं होया। सारी दुनिया दे चंदन सिर्फ कर्नाटक दे च आउंदा है।
उत्थों की धरती जो है चंदन उगाण विच माफक है, ठीक है। सारी दुनिया विच केसर दो चार जगह ते आउंदा, होर किधरे भी नहीं आउंदा। सार किताबली दा करता कहिंदा है रब नाल जुड़ी हुई आत्मा हर शहर विच नहीं है, हर मुल्क विच नहीं है। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, साधु हर शहर विच नहीं है, हर मुल्क विच नहीं है। जो जुड़ गया है वह हर जगह नहीं है, जो जुड़न की कोशिश कर रहे ने वह हर जगह ने। ते जिन्हां कदी रस भी आ गए, कोई झलक भी मिल गई है, करीबन करीबन ये भी हर शहर विच मिल जाते हैं और हर मजहब विच मिल जाते हैं। मैं इस तरह के पुरुष जैनियां च देखे, हिंदुओं च देखे, सिंघां च ते देखे, बेशतर थावां ते मुसलमानों च देखे। एक पादरी भी मैनु रोचेस्टर विच मिलिया इंग्लैंड, उहदी हालत भी इस तरह सी। झलक मिल गई सी, हुण तड़प रहा सी फिर होवे, फिर खेड बने। किसे दिन रस बन गया सी, हुण रोंदा रहिंदा सी, तस्बी फेरदा सी, प्रेयर करदा सी, सब कुछ करदा सी अपने ढंग नाल। तड़पया होया हिरदा लैके कदी गुरुद्वारे आण बैठदा सी। अंबाले किधरे पिछे रहा सी, जद अंग्रेजां दा राज आउंदा सी, बजुर्ग सी, मैं पुरानी गल करदा पिया, 10-12 साल पुरानी, अजे भी है रोचेस्टर दे चो। बुजुर्ग पादरी, चर्च उसका अपना है, लेकिन लगन पैदा हो गई। लगन कदों पैदा हुई, उन्हें आप कबूलिया, किसी एक दिन झलक मिल गई सी। इस तरह के पुरुष भी हर शहर दे छोंदे ने, पर पूर्ण तौर से जुड़ गए, जिन्हां दी दुनिया समा खो गया, हर शहर दे च नहीं आउंदे, हर मुल्क दे च नहीं आउंदे। चंदन तर ना बन बन साधना पुर पुर माए, सुख दे समा छोटा हो जाता है, समाधि दे समा खो जाता है। 6 महीने भी उस समाधि लीन रहा होवे तो उसनु इंज लगेगा जिवें 1 मिनट। सुख दे समा खो जाता है, आनंद दे समा खो जाता है, काल खो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। लेकिन यह अवस्था जप तो जो शुरू करेगा, ये पड़ाव उसनु नसीब हो सकते हैं। जो अजे पढ़दा ही पे है, कर्म कांड दे च है, अजे खिडौणियां दी खेड है, अजे बालक नहीं होया, अजे अडल्ट नहीं होया। धार्मिक जगत दे च बालक हो गया है, इन्हें जप शुरू कर दिता है, अजे बच्चा है। धार्मिक जगत दे जन्म है इसका, ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं है, जन्म हो गया इसका, आंदा है गुरुद्वारे, करदा है पूजा पाठ, करदा है सेवा, सब कुछ करदा है, पर अजे धार्मिक पीड़ा नहीं पैदा हुई। अजे दुनियावी पीड़ा लेके ही गुरुद्वारे आंदा है, अजे परिवार की पीड़ा, संसार की पीड़ा, कारोबार की पीड़ा, यही करीबन करीबन यही मिलते हैं सारी दुनिया। संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू च होए, उन्होंने ब्रह्मज्ञानी आत्मा सी, संत चवाली दे सानू दस दिता सी, चंगी तरह याद है, सारा फ्रंटियर जानदा है, बई मेरा शरीर कुछ दिन है ते तुसी सारे रावी तो पार चले जाओ, मैनू खून दियां नदियां वगदियां होईयां दिखाई देंदियां। डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे लोग सोचण लग पए हद हो गई, सारी जिंदगी बंदगी करदे रहे ते बंदगी करांदे रहे, ते हुण बुढ़े हो गए, अनहोणियां गल्लां कर रहे, कहिंदे रावी तो पार चले जा। सारे कहण लगे असीं अपनी जमीन जायदाद वतन छोड़ के चले जाइए, किस तरह चले जाइए। कहण लगे मैं तुहानू कह दिता, मैनू ठीक नहीं दिखाई दे रहा, मैं होना नहीं, ते मैनू जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं तुहानू कह रहा रावी तो पार चले जाओ, छोड़ जाओ ये इलाका, वेच दो अपना साजो समान। किसी ने भी ना गल सुनी। सन 47 विच करीबन करीबन 80% आबादी डिस्ट्रिक्ट बन्नू की कतल हो गई, परिवारों के परिवार जिंदा जल गए, बड़ी तबाही हुई, निस्तो नाबूद हुए सारे। इस तरह की आत्मा सी,
मैं जो अर्ज कर रहा उन्होंने खास गल उन्होंने कह रखिया सी मेरे नाल समाज कारोबारी शरीरक गल नहीं करनी मैं सुननी नहीं तो कोई करे भी ना क्योंकि हर बंदे की यही समस्या है हर बंदे की यही समस्या है तो धार्मिक समस्या किसी की होवे तो मैं कथा करना सुन लिया करो बाकी मैं गल नहीं सुननी क्यों गल परिवारक होवेगी गल कारोबारी होवेगी गल या शरीरक होवेगी इस तो अलावा होर की होवेगी ये मैं नहीं सुननी कहने के जिन्ने चिर तक मनुख जिंदा है कुछ ना कुछ तो होवेगा मैं कल भी अर्ज की थी सी जेड़ी बेड़ी सागर दे चे लहरां ते टकरांगे जेड़ा मनुख संसार दे चे कोई ना कोई समस्या ते टकराएगी लहरां तो बिना सागर नहीं आउंदा समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी कुछ ना कुछ होवेगा कोई ना कोई लहर ते टकरांदी रहेगी सियाणप यह है बेड़ी नूं ठेल दे जाइए लहरां अपने आप कटदियां जाणगियां पार हो जाएगी नाम जपदे जाइए परिवारक समस्या है तो होवे पई कारोबारी समस्या है तो होवे पई किस दी नहीं आउंदी बड़े बड़े अवतारां दियां भी समस्यावां सन शरीरक समस्या है तो होवे पई शरीर ते है ही रोग कुछ ना कुछ तो होवेगा जिहड़ा दुख की व्याख्या की है ना महात्मा बुद्ध वो कहिंदे ने शरीर रोग है मन सोग है हैरानगी होवेगी जिहड़े तंदुरुस्त बंदे ने उन्हां नूं किस तरह मन लईए रोगी तो महात्मा बुद्ध कहिंदे सन क्या मनुख बुढ़ा नहीं हो जांदा बुढ़ेपा ही खुद रोग है ते बुढ़ेपे दे कीटाणु मनुख बच्चे दे च मौजूद ने बच्चे ने बुढ़ा होना ये रोग दे कीटाणु उस दे अंदर पए ने अगर शरीर रोगी नहीं तो मर किस तरह जांदा शरीर रोगी नहीं तो बुढ़ा किस तरह हो जांदा है फिर सतगुरां दी बाणी कहिंदी है जो जो दिसे सो सो रोगी शरीर रोग है ते मन मन सोग है चिंतत ही दी से सब कोय सारी चिंता तुरने कोई ना कोई चिंता है हर एक कोई ऐसा मन नहीं जो सोग नाल भरिया होया ना हो कोई ऐसा तन नहीं जो रोग नाल भरिया होया ना जिस दिन इसकी समझ आती है मनुख तन मन दोहां तो उच्चा उठण की कोशिश करता है उसे नु धर्म कहिंदे ने और धार्मिक पीड़ा उसे दिन पैदा होंदी है जिस दिन तन ते मन रोग दिखाई दे जाए संसार दुख दिखाई दे जाए उदासी छा जाती है मैं फिर दोहरावा उदास मनुखा ने फिर निरंकार की तलाश की थी है खोज की है साहब इस वास्ते कहिंदे ने अगर कोई कर्म चल रहे ने लेकिन जपना नहीं अजे इस नूं समझ नहीं आई अजे धार्मिक पीड़ा आरंभ नहीं हुई अजे इसनूं ए बोध नहीं होया जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा इसका बाकी रूप मैं थोड़े सामने अमृत वेले सवेरे जो गालबन 6 to 7:30 तक दीवान रखा गया उस विच इस विचार नूं संपूर्ण करने की कोशिश करांगा वैसे तो सारी गुरबाणी नाम जपण की प्रेरणा पई करती है जिंदगी खत्म हो सकती है मजमून नहीं खत्म होंदे गुरु का शब्द नहीं खत्म होंदा समा खत्म हो जाता कथन शक्ति खत्म हो जाती है मनुख की अकल समाप्त हो जाती है गुरु का शब्द नहीं समाप्त होंदा जपो त एको नामा अवर निराफल कामा इस परपंच में साचे नाम की वडाई सारे गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ नाम की महिमा तो अलावा होर है कि महिमा ही सारे नाम की है बाकी विचार सवेरे थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा जिन्हों समा मिले वक्त मिले कल दी ये अखीरली हाजरी चूंकि इतना ही समा सी दास कौर फिर नदी नाओ संजोगी मेले फिर सतगुरु ने संजोग बनाया जिंदगी रही सेहत रही फिर आप दे दर्शन करांगे हुण इत्थे ही समाप्ति भुल चुक दी शमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।